फैसलों पर बनाई गई संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर को खत लिखा है। शशि थरूर ने अपने खत में ट्विटर से स्पष्टीकरण मांगा है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उनका ट्विटर अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया था। ट्विटर से 2 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि 25 जून को ट्विटर ने डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे तक ब्लॉक रखा था। इसके बाद शशि थरूर ने भी उनके साथ ऐसा ही होने की बात कही थी। और ज्यादा जानकारी लेकर आयुष्मान हमारे साथ जुड़े हैं। तो आयुष्मान, लगातार जो सख्ती है ट्विटर पर वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ये स्पष्टीकरण मांगा गया है, 2 दिनों में जवाब मांगा गया है, मगर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आखिर ये बात, ये जो अकाउंट ब्लॉक करने वाली घटना है, वो इतनी बड़ी कैसे बन गई? इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण ये मामला है गौरी, कि जो अकाउंट ब्लॉक करने की तकनीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया है, वो अमेरिका के बने एक नियम पर है। यानी कि भारत में आप एक एप्लीकेशन चलाते हैं और उसमें आप किसी भी व्यक्ति के अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, इसकी जो नीति है ये अमेरिका के कानून के ऊपर है। क्योंकि अगर आप रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को 1 घंटे ब्लॉक करने की बात देखें, तो 2017 में जो AR रहमान का एक गाना है उसके कॉपीराइट को लेकर अमेरिका के एक रूल के तहत उसका उल्लंघन बताया गया और 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया। तो ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है कि एक कंपनी जो भारत में ऑपरेट कर रही है लेकिन उसके तय नियम जो हैं वो अमेरिका के तर्ज पर हो रहे हैं, और शायद इसीलिए पार्लियामेंट्री पैनल को ये लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें ये जवाब देना होगा। और शशि थरूर ने ट्वीट कर बताया कि आपको ये जवाब समझाना होगा कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आयुष्मान हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ट्विटर की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस ने भी ट्विटर के MD मनीष महेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के का गलत नक्शा पेश करने के आरोप में पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। FIR में ट्विटर के MD मनीष महेश्वरी पर शत्रुता और नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं दिल्ली में भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ट्विटर पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने के चलते केस दर्ज करवाया है। भारत के नक्शे के संबंध में और उसको सामाजिक क्षेत्रों में भी तीखी प्रतिक्रिया थी, उससे भी कई लोग मिले। आज सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने, साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट डाली थी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर विवेचना कर धारा 505/2 का अपराध CO जो है मनीष महेश्वरी जी के बारे में किया।